चलिए तो आज हम देखेंगे जो आपका टॉपिक है वो फॉल करेगा जनरल स्टडी पेपर नंबर 3 और ये रिलेटेड टू सिक्योरिटी इश्यूज। और सिक्योरिटी इश्यूज में रिसेंटली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास की है, मतलब एमेंडमेंट कर रही है, जिसे बोलते हैं NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एमेंडमेंट बिल 2009, इसके ऊपर हमें डिस्कशन करना है। और ये पूरा फॉल कर रहा है जनरल स्टडी पेपर नंबर 3, आपका जो इंटरनल सिक्योरिटी वाला पार्ट है उसके अंदर ये पूरा फॉल। तो हम इसको देखेंगे, पहला इसका स्टैब्लिशमेंट क्यों हुआ, NIA का स्टैब्लिशमेंट क्यों हुआ, पहला चीज तो ये स्टैब्लिशमेंट हुआ। फिर उसके बाद में इसका क्या मेन ऑब्जेक्ट, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होगा NIA का, जब डिस्कशन हो ही रहा तो हम ये भी देख लेंगे कि इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या। और फिर उसके बाद में जब ऑब्जेक्टिव तक पहुंच जाएंगे तो हम ये देखेंगे इस बिल के अंदर जो आपका की एरियाज है, की फीचर्स है, वो हम देखेंगे। यानी कि मोटे मोटे रूप से हम 3 में इसको डिवाइड करेंगे। स्टैब्लिशमेंट के पीछे एक रीजन था, वो आप लोग जानते भी होंगे, जिसे बोलते हैं आपका 26/11 मुंबई अटैक। 26/11 आपका मुंबई जो अटैक हुआ 2008 को, ये जब मुंबई अटैक जब हुआ था तो उसके बाद से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऐसी चीज समझ आ गई, ऐसा लगा। देखिए आप ऐसे सोचिए, ये जब अटैक हुआ, टेररिस्ट इज अ नेशन वाइड इशू, और ये तो हम बोल सकते हैं ग्लोबल इशू। अब ग्लोबल इशू के लिए जो आपके स्टेट पुलिस मशीनरी है वो इनकेपेबल थी इससे डील करने की। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें जो पुलिस चलता है, दैट रन्स अंडर द पुलिस एक्ट ऑफ 1961 एंड इट इज गवर्न्ड बाय द इंडियन पेनल कोड 1860 से ये पुलिस चलती है, पुलिस एक्ट ऑफ 1861 एंड गवर्न बाय द इंडियन पेनल कोड ऑफ 1860। मगर इसमें एक बड़ी दिक्कत थी, कहीं भी ऐसा टर्म नहीं दिया हुआ था दैट इज कॉल्ड द बिल ऑफ आइडेंटिटी। और हमारी जो स्टेट की जो पुलिस मशीनरी थी वो इतना कैपेबल थी नहीं कि टेररिस्ट से डील कर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बीन गॉन विद द होल थिंग और केम विद द सर्टन इशू कि ये जो टेररिस्ट इशू है, दिस टेररिस्ट इशू, इस टेररिस्ट इशू से स्टेट को डील नहीं कर सकते। अब स्टेट को डील नहीं कर सकती तो फिर वापस बात क्या आएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सोचना चालू किया और सोचना क्या करना, बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखिए स्टेट पुलिस मशीनरी क्या कर रही है, स्टेट पुलिस मशीनरी सिर्फ और सिर्फ डील कर रही है आपका क्या, तो मेंटेन अ लॉ एंड ऑर्डर, वही तक जहां बात है जैसे टेररिस्ट इशू। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पूरी लाइब्रेरी, बिकॉज वाई, अब ये इशू कैसा हो गया है, नेशनल सिक्योरिटी का, देश का बात हो गई, पूरी दुनिया की मीडिया पहुंच गई कहां पे, आपका देखा और उसमें भी एक गजब की बात थी, 26/11 के टाइम पे मीडिया को यूज करते हुए उन लोग क्या कर रहे थे, मॉनिटरिंग कर रहे थे। हमारे उस समय जो मिनिस्टर हुआ करते थे, मिस्टर पी चेतांबर, उनने डायरेक्शन दी कि स्टॉप कर दीजिए पूरी लाइव टेलीकास्ट, क्योंकि उसको देख देख के वो मॉनिटर कर रहे थे। इस डिबेट में एक बड़ा डिबेट निकल गया, दैट इज कॉल्ड द
नेशनल सिक्योरिटी, क्योंकि स्टेट की पुलिस कैपेबल नहीं। स्टेट पुलिस मैंने आपको भी बताया कि वो पूरी पूरी कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर 1861 है, और गवर्न कैसे हो रही थी, बाय द आईपीसी यूज कर रही थी, क्या वो आईपीसी। तो उधर एक डिबेट निकल के आई, दैट इज कॉल्ड द नेशनल सिक्योरिटी। और फिर फाइनली देखा ये गया अ सेट ऑफ इक्विपमेंट के साथ में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 31 दिसंबर 2008 को पास कर दिया एक एक्ट पार्लियामेंट से, दैट इज कॉल्ड द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008। 31 दिसंबर को ये पास हुई, और उस समय दूसरे दिन को 2009 हो गया था, और 2009 को ये फोर्स में आ। अब जब ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आजकल इशू में है, तो इसमें ये भी चीज हमें जानना जरूरी है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। हेडक्वार्टर तो एक कॉमन सी चीज है, दिल्ली में होगा हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर यूजली तो वो कहाँ है आपका, दिल्ली। मगर इसके ब्रांचेस कहाँ कहाँ, क्वेश्चन इज दैट ब्रांचेस कहाँ कहाँ। ब्रांचेस कहाँ लिख लीजिए, हैदराबाद पहला है, कहाँ हैदराबाद, गुवाहाटी, कोचीन, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रांची एंड जम्मू एंड कश्मीर। यानी कि 2009 को NIA जैसी इंस्टीट्यूट सस्टेन में आ गई। अब सस्टेन में आ गए तो उसके साथ जुड़े हुए उसके क्या बेसिकली दो ही है, कोई बड़ा काम नहीं कर रही है, दो ही ऑब्जेक्ट, दो ही पुरानी चीजों से सबक लेते हुए। एक चीज है दैट इज कॉल्ड द नेशनल और नेशनल सिक्योरिटी के साथ में क्या आपका इन्वेस्टिगेशन। नेशनल सिक्योरिटी और इन्वेस्टिगेशन, और किस पे डील कर रही है, दैट इज कॉल्ड अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1967। अनलॉफुल एक्टिविटी, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1967 इस पर पूरा काम करती है। अब ये क्या है, सिंपल समझिए, इसके अंदर तीन डायमेंशन, तीन मोटे मोटे डायमेंशन है, वो आपको समझ आ गया आपका काम। अनलॉफुल, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967 पे डील करती है। अब अनलॉफुल एक्टिविटी यानी कि जिसे बोलते हैं टेररिस्ट एक्टिविटी, टेररिस्ट। दूसरा मेंबर ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और तीसरा सपोर्ट रिक्रूटमेंट, इसका आपका टेरर ऑर्गेनाइजेशन। ये तीन चीज पे बेसिकली डील करता है, दिस फॉल अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटी। क्या देखिए इस पर समझ, एनीथिंग दैट एक्ट ऑन अ टेररिस्ट, वो पूरी चीज देखी है ना। दूसरी चीज मेंबर ऑफ टेरर ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जाम्पल देखिए जो आपका 26/11 जो इवेंट हुआ करता था, उस समय क्या हुआ था, बेसिकली एक ही चीज हुआ था, जो आपका LET लश्कर बजट, इसके लोग आए, मेंबर्स आए, हमारे एंटर किए,
उससे ही एक सबक मिली कि दिस मेंबर ऑफ टेरर ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पेशल कॉन्टेक्स्ट टू जम्मू एंड कश्मीर हाउ सपोर्टिंग रिक्रूटिंग इस पे मेजर डील करती थी अब तक. अब रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगा कि टेररिज्म उसका जो स्प्रेड है दैट इज अ ग्लोबल, इसके एरिया को क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए. किसको स्पेसिफाइडली आप कहना है कि भाई टेररिज्म इज अ ग्लोबल थिंग, साइबर टेररिज्म, साइबर क्राइम इज अ डिफरेंट, टेररिज्म इज अ डिफरेंट थिंग. टेररिज्म इज व्हाट टू प्रोपेगेट देयर एजेंडा. इनफैक्ट आपको मैं इंटरनल सिक्योरिटी में पढ़ाऊंगा भी, अलशबाब दिस ऑर्गेनाइजेशन जो रिक्रूटमेंट कर रहे हैं ट्यूटर हैंडल से कर रहे हैं एंड हाईली इफेक्टेड एरिया दैट इज अ केरला. तो इसमें कुछ सेट ऑफ कमिटमेंट के साथ में उसके हमें क्या देखना है, की फैक्टर्स जो बिल में रखे गए हैं और वो हम आंसर राइटिंग में यूज करेंगे आपके आपका मेन. बेसिकली तीन से चार की फैक्टर है. देखिए पहले चीज वो है आपका क्या स्पेशल स्पेशल अलग की फैक्टर है स्पेशल. दूसरा इन्वेस्टिगेशन, तीसरा आपका एरिया ऑफ ड्यूरेशन, एरिया ऑफ ड्यूरेशन इन्वेस्टिगेशन, एरिया ऑफ ड्यूरेशन और तीसरा चौथा हम बोल सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन. एक एक के साथ हम एग्जांपल रख करके आपको मैं समझा. सर ऑब्जेक्टिव में जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो सीबीआई और जो अदर एजेंसीज जो कि टेरर के साथ करते हैं रॉ पूरी तरह. एक और एक ऑब्जेक्ट ये भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव भी जो रूटीज है आईबी प्लस आपका रॉ प्लस आपके जो सिक्योरिटी एजेंसी है तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन भी बनाने का काम करती थी एनआईए, उसको कोऑर्डिनेशन भी बनाने का. अगर हम की फैक्टर की बात करें वो आपका क्या स्पेशल, अब इसको ले लेते हैं. स्पेशल कोड यूजली कैसा होता था, दिस इज द हाई कोड अभी तक था यानी कि जो अकॉर्डिंग टू द एक्ट एनआईए एक्ट ऑफ 2008 ये हाई कोड इनके डायरेक्शन से एक स्पेशल कोड को कॉन्स्टिट्यूट होता था कुछ टेम्पररी, यानी कि एक कोई जज अपॉइंट होगा दैट इज कॉल्ड द स्पेशल कोड अंडर स्पेशल कोड ऑफ द एनआईए. एक स्पेसिफाइड कोई पॉइंट नहीं था. दिस की अमेंडमेंट की बिल, दिस बिल सेल दैट रिसेंट जो अमेंडमेंट हुआ है कि एक स्पेशल कोर्ट ऑफ एनआईए को क्या किया जाए कॉन्स्टिट्यूट स्पेसिफाइडली. अब होता क्या था, दिक्कत क्या थी, देखिए फर्स्ट कीजिए ये हाई कोर्ट के अंडर में कॉन्स्टिट्यूट हुआ. अब जज का अगर ट्रांसफर होगा जैसे होता तो नहीं है या जज रिटायर हो गया, अब ये कोर्ट क्या पड़ गया पेंडिंग खाली. अब तब तक का ये खाली रहेगा जब तक का नया जज नहीं अपॉइंट होगा, नया डायरेक्शन नहीं मिलेगा तब तक का ये क्या होगा पेंडिंग रहेगा. इसके वजह से क्या हो जा रहे थे, केसेस हो जा रहे थे पेंडिंग और केसेस जब पेंडिंग हो रहे थे तो एक इशू क्रिएट हो रहा. तो रिसेंट जो बिल आया है इसमें एक स्पेशल फाइट कोर्ट उसको कॉन्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा फुल टाइम जिसकी रहना ही. जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्रिब्यूनल्स, फॉर एग्जाम्पल स्पेशल कोर्ट, लोक अदालत कोर्ट, स्पेशल एक डेडिकेटली वो एक चीज देखी जो स्पेशल कोर्ट बना. इन्वेस्टिगेशन का एरिया अब बढ़ा दिया गया. अब इन्वेस्टिगेशन का एरिया कहाँ कहाँ बढ़ा गया देखिए, उसको हम ऐसे देख सकते हैं.
इन्वेस्टिगेशन का एरिया कहाँ कहाँ बढ़ा रहा है। पहला अब बात करेगा ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज अ बेसिकल इशू, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा एक एक करके। दूसरा फेक करेंसी और ऑफेंस रिलेटेड टू द करेंसी, ऑफेंस रिलेटेड टू करेंसी, ऑफेंस रिलेटेड टू द करेंसी, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक एक करके। दूसरा तीसरा मैन्युफैक्चरिंग और सेल ऑफ प्रोहिबिटेड आर्म्स, फोर्थ एरिया जो अभी तक नहीं था दैट इज कॉल्ड द साइबर क्राइम, साइबर टेररिज्म, सॉरी साइबर टेररिज्म। और लास्ट एंड लीस्ट एरिया दैट इज कॉल्ड ऑफेंस अंडर एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस एक्ट 1908। ये सारा मेजर एरिया अब जो इन्वेस्टिगेशन करेंगे वो इसके एरिया पे करेंगे। ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज अ मेजर इशू इन इंडिया, मेनी चाइल्ड मेनी वुमेन का लॉ मैंने चाइल्ड के ऊपर डिस्कस किया था आज वुमेन, बिकॉज द बिगेस्ट हब दैट इज कॉल्ड द वेस्ट बंगाल एक्सटेंशन बांग्लादेश, बांग्लादेश एंड अ बेल्ट कॉल दैट इज कॉल्ड द झारखंड बिहार उत्तर प्रदेश, यहाँ से ट्रैफिकिंग यहाँ जाता है और यहाँ से रिक्रूट यहाँ आ जाता है, ट्रांजिट रूट हमारा इंडिया है। इशू ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग दिल्ली बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन सिटीज और ऊपर जाते हैं आप इस तरफ जाते हैं अगर लाओस म्यांमार, ये पूरा बेल्ट बेसिकली फॉर ह्यूमन ट्रैफिकिंग। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए अब जो इन्वेस्टिगेशन करेंगे डेडिकेटेड टू बनाएंगे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज आल्सो इशू जो स्टेट के ज्यूरिडिक्शन से बाहर जा रहा है, पुलिस के ज्यूरिडिक्शन से बाहर जा रहा है, क्योंकि स्टेट में दूसरी पुलिस कोऑर्डिनेट ही करते हैं और ट्रैफिकिंग कैसा हो रहा है वो दूसरी कंट्री से हो रहा है, तो अब कोऑर्डिनेशन की एक बड़ी दिक्कत बनने, हाँ बोल सकते हैं एक पूरा ऑर्गेनाइज क्राइम चल रहा है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो अब इन्वेस्टिगेशन फॉर द स्पेसिफाइड फॉर ह्यूमन ट्रैफिकिंग। सेकेंड ऑफेंस रिलेटेड टू करेंसी, पे करेंसी, नेपाल हब पाक हब पे करेंसी, तो उसमें भी अब इन्वेस्टिगेशन करेंगे। थर्ड थिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग, बिहार इज अ हब ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फार्म्स, उत्तर प्रदेश और वो भी प्रोहिबिटेड आर्म्स, इसके ऊपर भी वो भी एक बड़ा मार्केट। और सबसे खतरनाक चीज तो ये है डेंजरस, बिकॉज द क्राइम इज चेंजिंग एंड साइबर, यूजुअली टेररिस्ट आर यूजिंग द साइबर स्पेस, फॉर एग्जाम्पल दे आर यूजिंग द टोटल हैंडल बाय द अलशबाब टू रिक्रूटिंग द पीपल्स, टेररिज्म ग्लोबल है, स्टेट एजेंसी उस पर कुछ कर नहीं पा रही, फाइनली इन्वेस्टिगेशन ऑन साइबर टेररिज्म। लास्ट एंड लीस्ट कहीं भी एक्सक्लूसिव पे पाया जा रहा उसके ऊपर भी आप डीलिंग करेंगे दैट इज एन, दिस आर द मेजर है जो अब मिला है इन्वेस्टिगेशन। अब फिर क्या बात करते हैं हम, फिर बात करते हैं ज्यूरिडिक्शन। ऑल्दो मैंने आपको अभी तक ये चीज बता दिया कि टेररिज्म इज अ ग्लोबल इशू, इतना चीज तो आपको क्लियर हो गया कि टेररिज्म इज अ ग्लोबल इशू, अगेन ज्यूरिडिक्शन कैसा था दैट इज इन विद इन द बाउंड्री ऑफ द ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, यानी कि पूरा की सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर। अब इसका ज्यूरिडिक्शन कैसा पड़ा गया दिया गया
जिस जिस कंट्री के साथ में हमने बायलेटरल ट्रीटीज की, बायलेटरल ट्रीटी जिस जिसके साथ में की है वो एरिया इसका जुरिडिक्शन में आता है, अब ऐसे समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली श्रीलंका में टेरर अटैक हुआ, ठीक है, इफ एनआईए वांट टू इन्वेस्टिगेट ही कैन नॉट बिकॉज ऐसा कोई लॉ नहीं बना था, उसका जुरिडिक्शन विद इन इंडिया। अब जुरिडिक्शन को क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। इफ टेररिज्म इज गोइंग थ्रू द वेयर रूट इज कमिंग फ्रॉम द पाकिस्तान यूएई, फिर उसके बाद में पाक को करने नहीं देगा, फिर उसके बाद में आपका अफगानिस्तान। अब इनके साथ में बायलेटरल ट्रीटी है, इसमें साथ में बायलेटरल ट्रीटी है, एनआईए एनआईए प्लस वहां की जो एजेंसी उनके साथ में दोनों कोऑर्डिनेशन के साथ में क्या करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी। दिस इज अ जुडिशियल एरिया को क्या कर दिया गया, बड़ा क्या सिंपल ये मेजर काम। लास्ट एंड लीस्ट यू कैन से दैट सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, अपील कर सकती है एनआईए को कि हमारे यहाँ पे कुछ ऐसा एक्टिविटी हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा लेते हैं उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरपुर में कुछ एक्टिविटी हुआ, आजमगढ़ में कुछ एक्टिविटी हुआ, स्टेट गवर्नमेंट क्या करे, अपील करे। और तीसरी चीज ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसी कुछ आउटपुट मिली वाय द कोऑर्डिनेशन एजेंसी, कोऑर्डिनेशन एजेंसी से ऐसी कुछ आउटपुट मिल रही है और आउटपुट के बेस पर डायरेक्ट समन कर डायरेक्शन सॉरी सुमोटो कर सकती है किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन दे सकती है किसको, आपका वो है एनआईए को कि आप जाओ और जाके इन्वेस्टिगेशन करो। ये मेजर अमेंडमेंट है, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है पूछ के जुडिशियल में ये है कि आउट ऑफ द इंडिया, आउटसाइड द इंडिया वो इन्वेस्टिगेशन, पर आउटसाइड द इंडिया भी कैसे, बायलेटरल ट्रीटी सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट केस करती है, बाकी डायरेक्ट केस सेंट्रल गवर्नमेंट हैज गॉट एनी इंफॉर्मेशन बाय द एजेंसीज, इंफॉर्मेटिव एजेंसीज बाय आईडी बाय द लॉ, कहीं से भी उसको कुछ इंफॉर्मेशन कि इस जगह पे कहीं ना कहीं स्टेट के अंदर कोई एक्टिविटी अनलॉफुल एक्टिविटी हो रहा है, यू विल डायरेक्टली गो टू द डायरेक्शन टू द डीजी ऑफ एनआईए, गो एंड इन्वेस्टिगेट, सेंड योर ऑफिसर एंड इन्वेस्टिगेटर टू स्पेसिफाइड स्टेट कि यहाँ पे कोई अनलॉफुल एक्टिविटी हो रहा है और अनलॉफुल एक्टिविटी मैंने आपको डिफाइन की। अब उसके एरिया में और भी चीज जुड़ रही है, एक्सप्लोजिव जोड़ दिया, साइबर टेररिज्म जोड़ दिया, वो सारी चीज़ उन्होंने क्या करनी चाहिए,